मैं आपको स्वतंत्र भारत के पहले एक रुपये के चार सिक्कों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले एक रुपये के चार सिक्के निकले थे। पहला सिक्का स्वतंत्र भारत का 1950 में ढाला गया था। ये आपके सामने 1950 का सिक्का है, ये देख लीजिए। इस सिक्के का ये निकल का था, निकल का बना हुआ था, चुम्बक से चुम्बक के लग जाता था और इसका वजन था 11.66 ग्राम और साइज इसकी 28 mm और एकदम ये सर्कुलर था इसी का। और इसके जो हेड साइड है आप देख रहे हो, हेड साइड के अंदर में इसमें अशोक स्तंभ और उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ रहता था और टेल साइड में उसमें गेहूँ की दो बालियाँ और एक रुपया और एक रुपीज इंग्लिश में और 1950 ये लिखा रखा था। ये हो गया 1950 का। इसकी कीमत आज के दिन है कम से कम आप समझो कि 500 रुपये से 2000 रुपये तक इसकी कीमत है। उसके बाद में 1954 में दूसरा सिक्का बना। दूसरा सिक्का 1954 में बना, उसका भी सेम वजन था, वजन और सब सेम थे, साइज सेम थी और लिखा हुआ भी सेम अक्षर था 1954 का भी। उसके दाम आज के दिन 2000 से लेकर के और 4000 रुपये तक है। और उसके बाद में ये दो सिक्कों के बाद में फिर उनके बाद पहले 1950 में बना, फिर 1954 में बना, फिर 1962 में तीसरा सिक्का बना। तीसरा सिक्का, उसके तीसरा सिक्के के अंदर में कुछ निकल का था लेकिन उसके अंदर में वजन कम हो गया, 10 ग्राम का कर दिया उस सिक्का को और गोलाई वही 28 mm और सर्कुलर सिक्का था और ऊपर की साइज सब वही थी सेम और हेडलाइन ये सब यही थे उसमें। लेकिन उस सिक्के के अंदर में बस वजन कम हो गया, उसका 10 ग्राम वजन रह गया। ये सिक्का अभी बहुत अच्छा है और सबसे ये 1962 का सिक्का आपको मिल जाएगा 500 से लेके 1500 रुपये तक। जैसा जैसे सिक्के की कंडीशन होगी और जैसे लेवाल और बेचवाल होगा, किसी बेचवाल को यदि ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो आपको 300 में दे सकता है और लेवाल को अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो 1500 में ले सकता है। फिर सिक्के की क्वालिटी भी देखी जाती है। ये आपका 1962 का सिक्का, ये आप देखिए, ये इस तरह का था, एकदम सेम साइज सेम डिज़ाइन, ये 1962 का सिक्का आ गया। इसके 1962 के सिक्के के बाद में आपको फिर चपा, ये 1962 के चपा आपको 300 से लेके और समझो आप 1500 रुपये तक मिल जाता आराम से। और अभी 1970 का, फिर उसके बाद चौथा नंबर का जो सिक्का है 1970 में 1970 में जाके डाला गया, वो 1970 में सिर्फ बॉम्बे में से डाला गया था और उस सिक्के का वजन भी 10 ग्राम था लेकिन उस सिक्के की क्वांटिटी बहुत कम डाली गई इसलिए उस सिक्के के दाम बहुत ज़्यादा। आज के दिन उस सिक्के के दाम समझो आप 10,000 से लेकर 20,000 के रुपए के बीच में है। सिक्के के दाम 10 से 20,000 रुपये हैं। जैसे सिक्के की ये ग्रेड है, जैसी वेराइटी जैसी क्वालिटी है वैसी ग्रेड के अनुसार सिक्के के दाम है। और सिक्का 1970 का सिक्का है और 62 का सिक्का है, वो दोनों एक ही टाइप सेम इसी डिजाइन का 70 का सिक्का है। और ये 1970 के सिक्के में आपको, अब आपको लेने के अंदर में आप 1970 का सिक्का लेके रखिए, सबसे अच्छा तो है 1954 का सिक्का आप खरीद करिए, आपकी बेस्ट बाई बनता है 1954 का सिक्का। वो सिक्का 2000 से 4000 के बीच में आपको यूएनसी कंडीशन में दे करके आप लीजिए और लेके रखिए। वो सिक्का 2-3 साल में आपका, 2 साल में आपको FD से ज़्यादा रिटर्न देगा, डबल हो जाएगा 2 साल में वो सिक्का आपका। ये वो सिक्के बहुत कम है, उनकी शॉर्टेज है। और उसके बाद यदि आप लेना चाहो तो 1970 का लो, 70 का सिक्का भी बहुत महंगा है लेकिन वो भी डबल हो जाएगा। ये दो सिक्के आपके, ये स्वतंत्र भारत के पहले 4 सिक्के बने थे और चारों ही रेयर सिक्के हैं। रेयर क्या, सुपर रेयर सिक्के हैं चारों। कोई से सिक्के आप, मैं तो कहूँगा चारों सिक्के आप लेके रखो अपने एल्बम के अंदर में रखो। मेरे पास में 2 सिक्के तो है लेकिन 2 सिक्के मुझे मिले नहीं, मैंने बहुत ढूंढने का ट्राई की लेकिन अब देखूँगा यदि कहीं मिल जाएंगे तो फिर 2 सिक्के फिर और लेने की चेष्टा करूँगा। और ये चारों सिक्के में ये आपको बेस्ट बाई बनती है 1954 में। 1954 का सिक्का तो आप बगैर पूछे लेके रखो, वो तो आपका 2 साल में डबल हो जाएगा। FD से ज़्यादा रिटर्न, जो FD में रिटर्न आती है उससे आपको डबल रिटर्न आ जाएगी उन सिक्कों में। ये ऐसे सिक्के हैं जो मिलने बड़े मुश्किल है, मुश्किल सिक्के, क्योंकि ये निकल के बने हुए हैं खाली और निकल का सिक्का
अब मिलना मुश्किल है। उसके बाद भी फिर दूसरे सिक्के बने थे। सबसे पहले स्वतंत्र भारत के 4 1 रुपये के सिक्के मैंने आपको दिखाए हैं और चारों ही आज गुड है, अच्छे हैं। आपको यूएन सी कंडीशन में कहीं भी सस्ते मिले तो आप ले लेने चाहिए। मैंने आपको कीमत बता दी इनकी। और अब मैं इसके बाद में आपको और इस अगली आप चाहो तो मेरे से कभी भी प्रश्न पूछ सकते हो। ये आप कमेंट्स के अंदर में अपना प्रश्न लिख दो, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए। और जब मैं आपको जो भी आपका संतोषजनक जवाब जो प्रश्न आएगा मैं आपको जवाब दूंगा। प्रश्न पूछने के लिए आप अपना नाम और अपने शहर का नाम दोनों चीज़ ज़रूर लिखें। और सिक्के की कौन से सिक्के के बारे में क्या प्रश्न पूछना चाहते हो वो भी आप उसमें कमेंट में लिख देवे, मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। और अब इसके बाद में मैं आपको अगला वीडियो लाऊं, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।